हम देखने वाले हैं बहुत सारे पफर्स जैकेट जो कि बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड अच्छे अच्छे प्राइस में आते हैं। मेक श्योर कि पूरा वीडियो एंड तक देखिए। विंटर में ऐसे जैकेट आपको खूबसूरत बना सकते हैं। चलते हैं फटाफट अपने पहले जैकेट की तरफ। तो पहला जैकेट आ गया हमारे पास में जो कि आता है रेड टेप के ब्रांड की तरफ से। यहाँ पर आपको रेड टेप का ब्रांडिंग वाला टैग मिल जाएगा लिखा हुआ रेड टेप क्लासिक और MRP है 6,899। लेकिन आपको बता दूं कि ये मैंने रेड टेप के ऑफिशियल स्टोर से लिया है, लेकिन आपको ऑनलाइन भी अप टू 70% का ऑफ तक मिल सकता है। तो मैं आपको बेस्ट लिंक दे दूंगा जहां पर भी ये जैकेट सबसे सस्ती मिल रही होगी। वैसे अगर क्वालिटी की बात करें, ग्रे कलर का पूरा पफर जैकेट है, लुक्स लाइक एस्ट्रोनॉट वाला सूट। यहाँ पर आपको बहुत सारी ऐसे करके स्टिचिंग्स के थ्रू डिटेलिंग मिल जाएगी और बेसिकली पफ्स को क्रिएट किया गया है। वैसे आपको इसमें हुड मिल जाता है, साइड में आपको हुड टाइट करने के लिए ऐसे करके इलास्टिक जैसा मिल जाएगा, बीच में आपको चेन मिल जाएगा और चेन भी ना एकदम ऐसे करके क्लोज्ड टाइप का है। ऐसा नहीं ना कि चेन के भी बीच से हवा जा पाएगी, चेन की क्वालिटी बहुत अच्छी है। डोंट वरी, रेड टेप एक अच्छा ब्रांड है, आपको सारी चीजें अच्छी मिलेगी। साइड में आपको दो पॉकेट्स मिल जाएंगे जिसमें भी आपको जिप मिलता है, हैंड पूरा फुल स्लीव का है। एंड में आपको ऐसा करके पतली सी कफिंग मिलती है जो कि बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। लेफ्ट स्लीव पे आपको एक छोटा सा पैच वाला डिटेल मिलता है एंड दैट्स इट, पीछे आपको कुछ नहीं मिलता। ओवरऑल बात करें ना, एकदम सिंपल सुंपल खूबसूरत स्टाइलिश जैकेट है। अंदर में आपको एक तरफ पॉकेट मिल जाएगा एंड दूसरी तरफ भी आपको पॉकेट दिया गया है, जो भी चीज चाहो रख सकते हो। अंदर में आपको रेड टेप की ब्रांडिंग मिल जाएगी, ये मैंने लिया है एल साइज और टांगने के लिए भी आपको एक हुक मिल जाता है। ओवरऑल अगर जैकेट की बात करें ना, स्पेशली सबको मेरी टीम में सबको इसके अपर मटेरियल ना बहुत ज्यादा सॉफ्ट लगी एंड पहनने में ना बड़ा अच्छा फील हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैंने एक अच्छी क्वालिटी का जैकेट पहना है। अब रेड टेप है तो आप डेफिनेटली भरोसा कर सकते हो। पहन के मैं कैसा लग रहा हूँ ये सारी चीजें आप पीछे देख लो। जैकेट का लिंक है व्यू प्रोडक्ट में या डिस्क्रिप्शन में। ऑलराइट, नेक्स्ट पफर जैकेट आ गया एक और बहुत ही बेहतरीन ब्रांड से। इस ब्रांड का नाम है पूमा। बराबर निकालते हैं जैकेट को। पूमा का आपको टैग मिल जाएगा, प्राइसिंग यहाँ पे लिखी गई है 7,999। आपको बता दूं अच्छे पफर जैकेट्स की प्राइसिंग ऐसी होती है, लेकिन आपको बहुत तगड़े डील में मिल जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है वाटर रिप्लिकेंट, यानी ऊपर से अगर पानी के छींटे वेटे पड़ते हैं ना तो अंदर तक आपका जैकेट भींगेगा नहीं, वाटरप्रूफ नहीं है। जैकेट में आपको दो कलर देखने को मिलेंगे, ब्लैक एंड मरून। बड़ा सा आपको हुड मिल जाएगा, फुल स्लीव आपको मिल जाता है। फ्रंट का जो भी पार्ट है ना ऊपर वाला, वो सारा ब्लैक कलर का है। हालांकि स्लीव एंड शोल्डर में आपको रेड कलर की स्ट्रैप मिलेगी और इसका हुड भी रेड कलर का है। बाकी इसके बॉटम का जितना भी पार्ट है वो रेड कलर का है। बॉटम में आपको दो साइड में पॉकेट्स मिलेंगे जिसकी डेप्थ बहुत अच्छी है एंड इसके ऊपर आपको चेन वाला क्लोजर मिल जाता है जिसकी क्वालिटी डेफिनेटली अच्छी होने वाली है। हर चेन पे आपको पूमा की ब्रांडिंग मिलेगी। अगर इसके बड़े वाले चेन की क्वालिटी की बात करें, बहुत अच्छी इसकी भी क्वालिटी है, आराम से खुल जा रहा है और अंदर भी आपको सेम बहुत अच्छा मटेरियल मिलता है। डेफिनेटली क्वालिटी डिफरेंस पता चल रहा है जो कि पूमा की तरफ से आ रहा है। तो बेसिकली इन जैकेट्स को बनाया कैसे जाता है कि ये पॉलिएस्टर मटेरियल का अपर पार्ट होता है और अंदर में जो फर होते हैं ना, पॉलिएस्टर के फर्स जो भी होते हैं वो अंदर में पूरे भरे जाते हैं और उससे ना ये पफी पफी वाली लुक आती है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है सारे पार्ट 100% पॉलिएस्टर से बने हुए हैं। अंदर में आपको पूमा की ब्रांडिंग मिल जाएगी। हैंग करने के लिए एक हुक आपको मिल जाता है जो कि बहुत जरूरी होता है। हालांकि ना अंदर में आपको इसमें कोई पॉकेट नहीं मिलते। ओवरऑल अगर जैकेट की बात करें ना, बहुत ज्यादा खूबसूरत जैकेट है। लेफ्ट चेस्ट पे आपको पूमा की ब्रांडिंग मिलेगी एंड सेम उसी के ठीक पीछे बैक पे आपको पूमा लिखा हुआ भी मिल जाता है। बड़ी यूनिक प्लेस में ब्रांडिंग की गई है। ओवरऑल जैकेट बहुत ज्यादा स्टाइलिश है। एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटेलिंग की बात करूं तो अगर आप चेन देखोगे ना, तो चेन के पीछे भी एक ना पतली सी लेयरिंग दी गई है, एक मोटा सा स्ट्रिप दिया गया है। तो इससे क्या होता है कि जब आप चेन लगा लोगे ना, तो इससे भी अगर हवा घुसती है ना तो यहाँ पर रुक जाती है, अंदर में आपको गर्मी लगेगी अच्छी वाली तगड़ी वाली। अगर आप विंटर ट्रिप्स के लिए जा रहे हो, मनाली इधर उधर घूमने ठंडी ठंडी जगहों पर, अगर आपको एक तगड़ा जैकेट चाहिए जो कि आपके साथ हमेशा बने रहे, तो डेफिनेटली पूमा का जैकेट कंसीडर कर सकते हो। ऑलराइट, नेक्स्ट अजियो का पैकेज आ गया हमारे पास में। ओ भाई, अंदर दो दो निकले हैं, ये आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। फटाफट से खोलते हैं। ऑलराइट, सो ब्रांड का नाम है फोर्ट कॉलिन। फोर्ट कॉलिन एक ऐसा ब्रांड है ना, विंटर्स के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें बहुत बजट में बनाता है। वैसे यहाँ पर अगर इसके प्राइसिंग की बात करें तो प्राइस यहाँ पे लिखा हुआ 2,290, इतना आपको पे नहीं करना, ऑलरेडी बहुत ज्यादा कम है। एक बहुत स्टाइलिश पफर जैकेट है, ब्लैक कलर का पूरा जैकेट है। फ्रंट में आपको चेन मिलता है, चेन की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। फोर्ट कॉलिन की इस पे भी आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी। साइड में आपको दो पॉकेट मिल जाएंगे जिसमें ऐसा टिप टॉप वाला बटन दिया गया है, जिसको आप यूज कर सकते हो। इसका डेप्थ बहुत अच्छा है। अंदर देख लेते हैं तो अंदर में आपको सेम ऐसा करके पैडिंग मिल जाएगी पूरी, क्योंकि ये पफर जैकेट है। अंदर आपको एक पॉकेट भी मिल जाएगा और लेफ्ट चेस्ट पे भी आपको ऐसे करके फोर्ट कॉलिन जैसा ऐसा करके लोगो मिल जाता है। अंदर में आपको फोर्ट कॉलिन की ब्रांडिंग मिलेगी। हैंग करने के लिए एक आपको हुक मिल जाता है और सबसे खूबसूरत पार्ट क्या है इस जैकेट का, इसका कॉलर पे देख सकते हो, फर का ऐसे करके यहाँ पर कॉलर डिजाइन किया गया है जो इस जैकेट में एक बहुत खूबसूरत स्टाइल एलिमेंट ऐड करता है। और ब्लैक के साथ ये ग्रे कलर का फर ना बहुत खूबसूरत लग रहा है। हालांकि नेक्स्ट लेवल वाली बात क्या है कि आप इस कॉलर को रिमूव भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको बस ऐसे करके 3-4 बटन्स खोलने हैं और ये रिमूव हो जाता है यहाँ से, और उसके बाद आप इसे एकदम प्रॉपर स्पोर्ट्स जैकेट जैसा भी यूज कर सकते हो। तो समझ लो कि अगर आप कहीं जा रहे हो बाइक राइड पे या ऐसी जगह जहाँ पर स्टाइल मैटर नहीं करता, आपको पूरी सुरक्षा करनी है अपनी, ये कॉलर को यूज नहीं करके आप इसे पूरा लॉक कर सकते हो और बच सकते हो ठंड से। लेकिन जहाँ पर आपको एकदम झाड़ना है स्टाइल, मचाना है बवाल और उड़ानी है
पूरी फैशन वाली हवा, तो आप इसको लगा लो साइड साइड में, कॉलर थोड़ा सा खोलो, फर दिखेगा, जैकेट दिखेगा, खूबसूरत लगोगे। वही अगर इसके स्लीव को भी देखोगे ना, तो ऐसे देखने से फ्रेंड्स एकदम नॉर्मल जैसा लगता है, लेकिन इसके अंदर भी ना बवाल वाली चीज छुपी है। इसके अंदर आपको बहुत खूबसूरत ऐसे करके कफिंग मिलती है, तो ऐसा है ना कि एकदम हाथ में टाइट हो जाएगा आपके, तो अंदर से ये पकड़े रहेगा, ऊपर से ऐसे फुला फुला दिखेगा। बहुत ही कमाल की खतरनाक डिटेलिंग साइड की गई है, एंड डेफिनेटली ये जैकेट सच में बहुत ज्यादा अच्छा है, एंड इस वीडियो का हाईली रिकमेंडेड जैकेट है। एंड मैं कैसा लग रहा हूँ, ये सारी चीजें आप पीछे देख पा रहे होंगे। फटाफट चलते हैं अपने नेक्स्ट अमेजिंग जैकेट की तरफ। नेक्स्ट पफर जैकेट आ गया हमारे पास में, लेकिन यहाँ पर आपको एक इंटरनेशनल अपडेट दे दूं कि हम आ रहे हैं अपने बवाल वाले वीडियो के साथ, जहां पर हम अनबॉक्स करेंगे MKBSD यानी मार्कस ब्राउनली के मर्च को। आप सबको पता है इस चैनल पे हम यूट्यूबर्स के स्पेशल मर्च को रिव्यू करते हैं। अब तक हम इंडिया में ही सीमित थे, लेकिन हम असीमित होना चाहते हैं, फैलना चाहते हैं और कस के बरसना चाहते हैं। इस बार बहुत खतरनाक वाली वीडियो आएगी, मजा लीजिएगा उस वीडियो का, सच में अमेजिंग कलेक्शन है। ऑलराइट, सो जैकेट पे चलते हैं। जैकेट के अगर ब्रांड की बात करें, ब्रांड का नाम है सिंबल, ये आया है अमेज़न से। और अगर अमेज़न की बात करें, सिंबल या हाउस एंड सील्ड या इन सारे ब्रांड्स की बात ना करें ना, तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये अमेज़न के अपने ब्रांड है। क्वालिटी इनके बजट के हिसाब से बहुत अच्छी होती है। सेम आपको देखो पफर जैकेट वाला लुक मिलेगा, सिंपल सा साइड में आपको पॉकेट मिल जाएगा, मरून कलर का पूरा जैकेट है। फ्रंट में आपको चेन मिलता है, चेन आपको मिल जाएगा YKK का, यानी अच्छी क्वालिटी का चेन होगा। और इसके अंदर भी आपको ऐसे करके एक पतला सा स्ट्रिप मिलता है, यानी हवा नहीं घुसेगी यहाँ से, आप आराम से सेफ फील करोगे। अंदर आपको क्या पॉकेट मिलता है, हाँ मिलता है भाई, पॉकेट मिलता है अंदर, आप यहाँ पर आराम से अपना पान गुटका रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अंदर में आपको सिंबल की ब्रांडिंग मिल जाएगी। बेसिकली देखो ये जैकेट्स कैसे बने होते हैं ना, मोस्ट ऑफ द ब्रांड के जितने भी जैकेट्स होते हैं कैसे बने होते हैं, एक मैन्युफैक्चर कंपनी कोई बनाती है अच्छी चीजें, और इसमें ऐसे करके लकी राम लकी श्याम लकी ऐसे करके ना यहाँ पर स्टाम्पिंग चलते रहता है, ब्रांडिंग होते रहता है और फिर बिकते रहता है। क्वालिटी अच्छी है, फुल स्लीव है, अंदर में आपको वैसा कुछ फोर्ड कॉलिन वाला ऐसे करके कफिंग वफिंग अंदर नहीं मिलता। ओवरऑल सिंपल खूबसूरत जैकेट है, ये मैंने लिया एम साइज, जाना चाहो जा सकते हो, एक अच्छे प्राइस में तगड़ा जैकेट, तगड़ा कलर, वर्सटाइल है। नेक्स्ट एंड द लास्ट जैकेट आ गया हमारे पास में, एक और बहुत ही खूबसूरत फोर्ट कॉलिन का। अब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि फोर्ट कॉलिन के ऊपर एक ना तगड़ी वाली हॉल की जा सकती है, इसमें सिर्फ और सिर्फ फोर्ट कॉलिन के प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर करें हम। आप मुझे बताइए कमेंट में चाहिए या नहीं। वैसे अगर इस जैकेट की बात करें, फोर्ट कॉलिन का आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी, प्राइस यहां पे लिखा हुआ है 2525। इतना आपको 25 इतना आपको पे नहीं करना मेरे भाई। कलर बहुत ज्यादा खूबसूरत है, थोड़ा सा मिट्टी कलर है, ब्राउन कलर का ये जैकेट है। अलग एक चीज का अच्छा नहीं लग रहा ना, इसका फ्लोरोसेंट ऑरेंज वाला ऐसे करके नाड़ा कुछ ज्यादा ही रहा है। जैकेट की अगर बात करें तो यहाँ पर ऐसे करके आपको टिप टॉप वाले बटन्स भी मिल जाएंगे एक लेयरिंग के लिए, जिससे हवा रुकेगी। और अंदर में आपको फिर चेन मिलता है, चेन पूरा प्लास्टिक का है लेकिन अच्छी क्वालिटी का है। अंदर में आपको फोर्ट कॉलिन की ब्रांडिंग मिल जाएगी, ये हमने लिया है एम साइज। इसमें बहुत तगड़ा पॉकेट तो मिलता ही है, साथ ही साथ आपको एक जिप पॉकेट भी मिलता है, जिसमें आप पता नहीं क्या रखना चाहते हो, ये बड़ी यूनिक चीज मैंने देखी है। लेकिन इसमें आपको इस तरह का भी पॉकेट मिलता है। इसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, इसका मटेरियल भी बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, रेड टेप की तरह। और जैकेट के साइड साइड में आपको दो पॉकेट्स मिल जाएंगे, जिसमें ऐसे हुक टाइप की डिजाइनिंग है, अगर आपको कुछ ऐसा टांगने वांगने का है तो भी टांग सकते हो। हालांकि पॉकेट की डेप्थ अच्छी है, बहुत अच्छी है। साइड में ऐसे करके आपको ब्रांडिंग मिल जाती है, ये भी ऑरेंज कलर ना इसमें उतना मजा नहीं दे रहा, लेकिन बहुत बुरा भी नहीं लग रहा आपको बता दूं। फुल स्लीव के एंड में ना ऐसे करके ना बड़ी अजीब सी रबर टाइप की थ्री स्ट्रिप वाली डिजाइनिंग बनाई गई है, जो कि बड़ी ही यूनिक लग रही है। एक चीज मैं समझ रहा हूं, फोर्ट कॉलिन के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं अभी तक हमने दो देखे हैं, दोनों में कुछ ना कुछ नया था, कुछ ना कुछ ऐसा था जो दूसरे अदर कंपनीज नहीं कर रहे थे। यही सेम डिजाइनिंग आपको इसके नीचे भी मिलती है जैकेट के एंड में। ओवरऑल अगर जैकेट की बात करें, एक और बहुत ज्यादा खूबसूरत पफर जैकेट है, जाना चाहो जा सकते हो। विंटर में ऐसे जैकेट्स बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, एंड आपकी मुझे डिमांड पता है कि आप सब चाह रहे हो लेदर जैकेट पाए, डेनिम जैकेट पाए, एंड डेफिनेटली हम उसके बहुत सारे हॉल्स ला रहे हैं। मेक श्योर कि चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, हमें टेलीग्राम में फॉलो कर ले, इंस्टाग्राम में फॉलो कर ले। अभी के लिए बाय, जय हिंद, पीस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी विंटर, बूम।